गाइस ये देखिए बर्फ चोटियों में आई है, ऊंचाई वाली जगह पे। हे गाइस, तो मैं भाग रही हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि यहाँ पे मेरे मायके में यहाँ पर डेथ हुई है, नानी लगती थी वो मेरे टब्बर में, मेरे जो रियल मामा है उनके टब्बर ही है वो, तो वो मेरी नानी लगते थे और मेरी मम्मा के चाची। तो हमारे यहाँ पे जब 11 दिन हो जाते हैं तब फिर शुद्धि की जाती है। पहले दिन बाहर होता है, पिछले कल बाहर था वो मैंने आपको बताया, और आज शुद्धि होती है। जैसे जो उनके अस्थियाँ रखी होती हैं ना, फिर वो ले जाते हैं हरिद्वार, तो हरिद्वार से फिर आ जाते हैं वापस तीसरे दिन, परसों जाते हैं, पिछले परसों जब बाहर होता है ना उससे पहले दिन जाते हैं हरिद्वार, फिर आते हैं, फिर वो घर पहुँचते तीसरे दिन। तो जैसे पिछले कल बाहर था वो आज पहुँचते, सब आज शुद्धि होती है। तो मुझे भी बुलाया ऊपर, मैं भी जा रही हूँ, मम्मी वगैरह आगे चले गए, और मेरा तो आपको पता ही है लेट लतीफ इंसान, और इतनी गालियाँ दे दे के मम्मी ने तो बस, क्योंकि मैं नहाई सुबह सुबह, और वो बोले कि जल्दी करो जल्दी करो, और भाभी जी भी आगे देखो हो, तो बस काश्वी को भी लेके गए हो, और मैं भी भाग रही हूँ। तो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या क्या होगा, गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में। और आज का मौसम तो आपको पता ही है, बहुत बारिश हो रही है पिछले कल से। हाँ मेरी सांस फूटी है गाइस, पिछले कल भी काफ़ी बारिश हुई बहुत ज़्यादा। हाँ जी हाय हाय, और अभी भी आज भी बारिश हो रही है, बट बर्फ नहीं आ रही है गाइस। मैं तो जाती हूँ दिल से कि बर्फ़ आए, वाह क्या मज़े होंगे, बर्फ़ आई है हाइट में। यहाँ पे सुबह थोड़ी थी, बताया था मम्मी ने कि सुबह आ रही थी, मैं तो सोई थी 8 बजे उठी सो के, बट जितने तक मैं उठी ना उतने तक वो बर्फ़ भी चली गई थी, बहुत कम आई थी और वो पिघल गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और अभी भी बीच में कभी स्नो आ रही है, बट वो टिक नहीं रही है, सीधे सीधे पिघल रही है। तो चलिए गाइस फटाफट चलते हैं, टाइम हो रहा है। बर्फ, ये देखो गाइस थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, यहाँ पे आ रही है। मैं तो बहुत, मैं आपको मिलाना चाहती हूँ अपनी बचपन की सहेली से, ये है मेरी फ्रेंड। ओए इधर आ ले, किसको लग रही शर्म गाइस, ये देखो कितनी शर्मीली है ये। ये है मेरी फ्रेंड, मेरे मामा की बेटी भी है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे अपने स्कूल टाइम में, जब हम थी गाइस तब, अब शादी होगी तब हम अब अलग अलग हो गए, बहुत कम मिलते हैं, आज मिली है गाइस काफ़ी टाइम के। और आज बर्फ़ आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थाली में, ये देखो गाइस बच्चों को स्नो फॉल हो रही है हमारे गांव में, जिसका मुझे इंतज़ार था बेसब्री से। दिख रही है ऊपर से आते हुए, नहीं दिख रही इसमें, देखो 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 देखो। तो अभी हम जा रहे गाइस खाना, देखो अभी हम जा रहे गाइस खाना लाने तो चलो फिर आओ।
गाइस बर्फ तो रुक चुकी है बट उतनी बर्फ आई नहीं। देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा वाइट वाइट सा, बस सिर्फ इतना ही आया यहाँ पे बर्फ। और ये भी अभी चला जाएगा सीधी। और यहाँ देखो यहाँ पे ना मंदिर भी एक छोटा सा दिखता है यहाँ पे, पताड़ा, पताड़ बोलते हम यहाँ पे, पताड़ा के देव। और यहाँ पे हम जब साजा वगैरह होता तब धूप छोड़ने आते हैं यहाँ पे। बाकी तो देख ही सकते हो आप, हाँ धुंध पड़ी हुई है। और ये उर्टू देखो, ये है स्कूल और ये उट्टू पूरा, उट्टू गांव बाजार। दूती चौबी छेण काला दाणो स्त्रेण तेको बिड़ी गाची तेको गेम स्त्रेण ले नाची पाई दे कुड़ी बाट ने बोल दे चूड़ी खेच लागे मुशी आज पड़े बर्फू सभी लोग लोग खुशी देखो हम लोग काम कर रही है। दीदी मुंगा दीदी मेरे मामा की बेटी, और ये भी मामा की बेटी, और एक यहाँ पे है मीरा दीदी। हम लोगों के बर्तन जो है वो दे रहे हैं। और देखो साथ में ना बर्फबारी हो रही है, अगर आपको दिख रहा होगा देखो बाजू में, वाह मजे आ रहे हैं, कितने मजे आ रहे हैं ये बर्फ में। कितने बड़े बड़े बर्तन हमारे पास दिए हुए, जिनके लाए ना उनको हम देने वापस। चलो हम बाहर चलते हैं गाइस। वाओ गाइस आखिरकार स्नोफॉल हो गई जिसका मुझे इंतजार था। देखो 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 स्नोफॉल, वाओ। हेलो गाइस, तो आखिरकार स्नोफॉल हो गई और हम अभी बैठे थे दीदी के घर में, तो अब मुझे जाना है घर। वाओ गाइस मजे ही आ गए आज तो। हाय 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 हाय, बिल्कुल आ जाओ। ये जी चाहे शाल, वाओ क्या मजे आ रहे हैं गाइस स्नोफॉल में। स्नो ही स्नो है, स्नो ही गाइस वाह। गाइस देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा बर्फ पड़ गई है। तो हम कहते हैं तो फोन साइल फोन ते बड़ा सब वीडियो ने तू दे मने मुंह पे जुए ठीक है। गाइस वाओ रास्ता बहुत ही खतरनाक है, अगर हम फिसल गए तो पता नहीं नीचे वाले घर के पास पहुंच जाएंगे। गाइस ये आंटी और मैं घर जा रहे हैं और इतनी बर्फ पड़ चुकी है बहुत डर लग रहा है नीचे चलने में, अगर फिसल गए ना गाइस फिर पता नहीं क्या क्या होगा। तो गाइस ये ना अभी अभी इतनी ज़्यादा बर्फ आई, देखो 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 ये देखो अंधेरा सा हो गया है गाइस, कैमरे में पानी चला गया पानी तो। वाओ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी बर्फ जिसका हमें इंतजार था वो पड़ चुकी है हमारी गांव में। वाह ज्यादा अमर मुंगा दीदी पता क्या बैठी थी मीरा दीदी और रिंका दीदी भी बे।
तो गाइस ये यहाँ पे आंटी खेल रहे हैं बर्फ के साथ और हम पहुँच गए थे घर में। तो मैं भी इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको करना है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।